देश की मान वीरांगनाओं को नमन और भारतीय संविधान को अभिनंदन करते हुए आप सभी साथियों को मेरी तरफ से जय भीम, जय जोहार, जय बिरसा, जय पेरियार। मैं इंजीनियर अमिता बौद्ध आज पुनः प्रबुद्ध भारत निर्माण संघ की श्रृंखला में आप सभी लोगों का, आप सम्मानीय लोगों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो में भारतीय संविधान भाग एक के बारे में पढ़ा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान जनता के लिए लिखा और जनता के लोगों को जानने की बहुत बड़ी जरूरत है। तो उसी संदर्भ में हमारी ये कोशिश है कि हम भारत के लोगों को ये बता पाए कि भारतीय संविधान का जो प्रावधान है, जो अनुच्छेद है, वो हमारे लिए कितना जनउपयोगी है। आज हम भाग दो के बारे में चर्चा करेंगे और जो भाग दो है भारतीय संविधान यानी पार्ट टू जो है वो सिटीजनशिप यानी नागरिकता को दर्शा रहा है, नागरिकता। दूसरा क्या है कि जो भाग दो में अनुच्छेद है वो 5 से लेकर 11 तक का अनुच्छेद भाग दो में समाहित किया गया है। इस संदर्भ में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जो भारत की नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। कहने का मतलब अगर आप भारत के नागरिक है तो उस समय आप किसी दूसरे देश के नागरिक नहीं बन सकते, यानी दोहरी नागरिकता नहीं, एकल नागरिकता है। यानी आप भारत में रहेंगे तो आप भारत के नागरिक रहेंगे, अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता रही तो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। सिंपल सा है कि भारत का जो नागरिकता का स्वरूप है ये ब्रिटेन से लिया गया है और हम अनुच्छेद 5 के बारे में चर्चा करते हैं, आर्टिकल 5 के बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 5 ये कह रहा है सिटीजनशिप एट द कमिशनमेंट ऑफ द सिटीजनशिप, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। साथ ही यहाँ एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को देश में एक्टिव हुआ और सबसे बड़ी बात जो है अनुच्छेद 394 यानी 394 के तहत 16 अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से एक्टिव फॉर्म में आए थे, यानी एक्टिव हो गए थे, लागू कर दिए गए थे, जिसमें 5 से लेकर 9 तक का जो आर्टिकल है वो भी उस 16 अनुच्छेद में समाहित है। तो अनुच्छेद 5 ही कह रहा है संविधान की प्रारंभ से नागरिकता, यानी संविधान जब से इसमें आया उसकी प्रारंभ से नागरिकता का अधिकार वो अनुच्छेद 5 में है, आर्टिकल 5 में है। आर्टिकल 6 कह रहा है राइट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू द इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता, जो लोग उस समय पाकिस्तान से भारत आ रहे थे उनकी जो नागरिकता का उपबंध है, उनकी नागरिकता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 में है, आर्टिकल 6 में दिया गया है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे। आर्टिकल 7 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 7 कह रहा है राइट ऑफ द सिटीजनशिप एट द सर्टेन माइग्रेंट टू द पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को प्रवजन यानी पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, उस समय जो लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे उनकी जो नागरिकता का प्रबंध है, उपबंध है, वो आपका आर्टिकल 7 में है, अनुच्छेद 7 में है। आर्टिकल 8 क्या कह रहा है राइट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ द सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिनल रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ लोगों की नागरिकता। अब मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी, एक उदाहरण देना चाहूंगी, जब भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुए तो कुछ लोग दक्षिण अफ्रीका, फिजी ऐसी जगहों पर रह रहे थे, तो वो लोग जो वहां रह रहे थे तो उनकी नागरिकता का जो उपबंध है कि वो भारत में कैसे नागरिक बने रहेंगे क्योंकि बंटवारा हो चुका था, उनका जो प्रावधान है वो आपका अनुच्छेद 8 कह रहा है। यानी अनुच्छेद 8 में जो है वो ऐसा दिया गया कि जो लोग भारतीय उद्भव के और बाहर रह रहे हैं उनके नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 8 में, आर्टिकल 8 में है। आर्टिकल 9 कह रहा है पर्सन वॉलंटरी एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट और नॉट टू बी सिटीजन, जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता हासिल कर लेता है तो उसी दिन से उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है, क्योंकि अपने मैंने पहले आपको बताया कि भारत की नागरिकता वो एकल नागरिकता है। अगर आपने अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से किसी विदेशी देश की नागरिकता को हासिल कर लिया है तो आपकी भारत की नागरिकता खत्म मानी जाएगी और खत्म कर दी जाएगी, स्वेच्छा से खत्म हो जाएगी। आगे आर्टिकल 10 कंटिन्यूस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, यानी नागरिकता के अधिकारों का बने रहना। आप भारत में नागरिक किन किन आधार पर बने रहेंगे इसका जो प्रावधान है वो आपका अनुच्छेद 10 है, आर्टिकल 10 है। और आप कौन कौन से ऐसे काम करेंगे, कौन कौन से ऐसे नियम का पालन नहीं करेंगे जिसमें आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी पे बनने वाली है कि कौन कौन से काम करने से हम भारत में नागरिक नहीं रह सकते, भारत के नागरिक नहीं बने रह सकते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको चर्चा में हम लेकर के आएंगे। तो आर्टिकल 10 यानी आर्टिकल अनुच्छेद 9 जो कह रहा है कि भारतीय नागरिक कैसे आप बने रहेंगे। आर्टिकल 11 कह रहा है पार्लियामेंट ऑफ द रेगुलेट द राइट ऑफ द सिटीजनशिप बाय लॉ, यानी संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वो भारत के नागरिकों के लिए विधि बनाए, नियम बनाए कि कैसे कैसे कौन कौन से नियम हम भारत के नागरिकों के लिए बना सकते हैं, नागरिकता के लिए बना सकते हैं। ये रहा आपका 5 से लेकर 11 तक का अनुच्छेद जो भाग दो में है। साथियों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो,
लेकिन अमल करने वालों की नियत पे संविधान अच्छा या बुरा साबित होगा। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे ऐसी कोशिश है, हमारी ये जो है एक पहल है, हम ये चाहते हैं कि भारत के जन जन तक, हमारा ये उद्देश्य है कि भारत के जन जन तक किसी भी वर्ग विशेष का व्यक्ति हो, कोई भी महिला हो, सबकत हम ये चाहते हैं कि भारतीय संविधान के बारे में उसको जानकारी हो, और हम ये पहल कर रहे हैं। इस पहल में आप हमारा साथ सहयोग करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। इसी के साथ माता यशोधरा को याद करते हुए, माता यशोधरा का प्यार, धम्म सखी संगमित्रा की चेतना और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की कलम और भारतीय संविधान को अभिनंदन करते हुए आप सभी से विदा लेना चाहती हूँ। सभी को मेरी तरफ से फिर जय भीम, जय जोहार, धन्यवाद।